हमने थ्योरी भी पढ़ ली, हमने न्यूमेरिकल भी देख लिए, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, हर एक फॉर्मूला रट लिया, फिर भी क्वेश्चन सामने आते ही हम घबरा जाते हैं और हमसे वो क्वेश्चन नहीं बन पाता। ठीक है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हर तीन में से एक बंदे को होता है, एस्पिरेंट्स को बोल सकते हैं, हर तीन में से एक एस्पिरेंट को होता ही है। ठीक है, तो इसको जो है ओवरकम कैसे करना है, ठीक है, इसको मैं ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बता रहा हूँ इसको ओवरकम कैसे करना है। सबसे पहले जो है तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का पकड़ लो 25 थोक न्यूमेरिकल। क्या बोला मैंने, 25 न्यूमेरिकल पकड़ लो अच्छे अच्छे, जो भी है, तुम नीट वाले तो नीट के पकड़ लेना, जेई वाले तो जेई के पकड़ लेना। उसके क्या करना, उस 25 न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद उनका सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, सोल्यूशन देखना, ऐसे 25 थोक कर लेना। उसके बाद क्या करना, 26वां क्वेश्चन जो है अपने से बनाने का ट्राई करना। आई विल डेफिनेटली श्योर कि वो 26वां क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपना माइंड जो है 25 क्वेश्चन तक जो है एनालाइज करता रहेगा कि हर एक क्वेश्चन बन कैसे रहे, बन कैसे रहे, बन कैसे रहे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन जो है फट से अपना दिमाग में कैच करके तुरंत बना देगा। ठीक है, तो एक बार ये तरीका जरूर अपना